गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा जो भारत के 676 जिलों में जा रही है, जिसके बाद अपने 52वें पड़ाव पर चंडीगढ़ पहुंची। यह यात्रा परम पूज्य श्री गोपाल मणि के स्थानीय एवं भारतीय गौ क्रांति मंच के तत्वाधान से संचालित की जा रही है। ये यात्रा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब के सभी जिलों में यात्रा पूरी कर चुकी है। चंडीगढ़ के बाद कल से हरियाणा की तरफ कूच करेंगे। सेक्टर 34 में एकत्रित गौ भक्तों को पूज्य श्री गोपाल मणि ने गौ महिमा के बारे में जानकारी दी। पूज्य श्री गोपाल मणि ने बताया कि गौ माता को राष्ट्र माता संवैधानिक तौर पर घोषित किया जाए। गाय के लिए भारत सरकार एक अलग मंत्रालय स्थापित करें, जबकि भारत सरकार गाय को पशु मानती है। जबकि गाय में कई देवी देवताओं का वास है, जिसे हिंदू धर्म उसकी पूजा करता है। वहीं भारतीय गौ माता क्रांति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा जो भारत के 676 जिलों में जा रही है, जिसके बाद अपने 52वें पड़ाव पर चंडीगढ़ पहुंची। यह यात्रा परम पूज्य श्री गोपाल मणि के स्थानीय एवं भारतीय गौ क्रांति मंच के तत्वाधान से संचालित की जा रही है। चंडीगढ़ के बाद कल से हरियाणा की तरफ कूच करेंगे। ये गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा है जो गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए संपूर्ण देश के जो 676 जिले हैं इनमें जा रही है, और एकमात्र उद्देश्य है कि गौ माता को सम्मान मिले राष्ट्र माता का, और गौ मंत्रालय भारत सरकार में अलग हो। गाय पशु नहीं है, हम चाहते हैं कि पशु विभाग से सरकार इसको अलग करे। जैसे कि राजस्थान में आपको मालूम होगा कि इसको पशु विभाग से गौ माता को अलग कर दिया गया था, अलग मिनिस्ट्री गौ माता की बना दी। ऐसे ही हम मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार में ये अलग मांग हो। ये हम 52वां जिला है हमारा, 51 हम कल तक पूरे कर चुके हैं। इसमें उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब और कल से हरियाणा में प्रवेश करेंगे पंचकुला से। जब से गुरुदेव ने ये कथाएं की, 4.5 लाख लोगों ने अपने घरों में गाय रखनी शुरू कर दी और 337 गौशालाओं की स्थापना हुई, जिससे हमारे देश की गौशालाएं भी अपने पैरों पर खड़ी हो गई कि लोगों को गाय का महत्व पता चल गया। शहरवासियों क्या संदेश दे रहे हैं? हाँ, शहरवासियों को ये संदेश दी कि वो अपने दिल में गाय को बिठाएं। ये ठीक है कि कोठियों में अपने बंगलों में वो गाय नहीं रख सकते, लेकिन क्योंकि गौग्रास रखने का केवल एकमात्र गाय गौग्रास गाय के लिए निकाला जाता है, तो वो अपने दिल में गाय को रखें। और गाय के लिए गौग्रास का मतलब ये नहीं कि आप घास ही निकालें या रोटी निकालें, अपनी कमाई का हिस्सा आप ग्रास के रूप में निकालें। भारतीय गौ क्रांति रक्षा, गौ माता की रक्षा के लिए भारतीय गौ क्रांति मंच की स्थापना हुई है। पूरे देश के 676 जिलों में जा जा करके इस देश के लोगों को जागृत कर रहा है कि तुम लोग कहाँ सोए हुए हो। जब तक इस देश में गौ को माता का सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक भारत को तो भारत नहीं बनाया है, भारत तो इंडिया बना हुआ है। इंडिया तो अंग्रेजों ने बनाया था, और भारत इसको जो है गौ माता बनाएगी। हमारी 5 मांग है सरकार से। सबसे पहले गौ माता को 80 करोड़ लोगों की भावना का ध्यान रखते हुए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दो। दूसरी मांग है, अगर इस देश को बचाना है और संस्कारवान बनाना है, तो 10 वर्ष तक के बच्चों को गाय का दूध पिलाओ, और जो जर्सी आदि जानवर हैं उन पर प्रतिबंध लगाओ। और अगर इस देश को समृद्धशाली बनाना है, तो उसके लिए गोबर गैस में जो मीथेन गैस है, उस मीथेन गैस से इस देश के चूल्हे जलवाओ, उस मीथेन गैस से इस देश की गाड़ियाँ चलवाओ, और गौचरण भूमि गायों के लिए उपलब्ध कराओ, और गौ हत्या को मनुष्य की हत्या का समान दंडनीय अपराध होना चाहिए। तो इन 5 मांगों को लेकर के 676 जिलों में जा रहे हैं। अभी 51 जिले हुए हैं, 52वां जिला ये चंडीगढ़ में हम आए हैं। कल से हमारा पंचकुला से हरियाणा प्रदेश शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से 2018 तक हम पूरे देश के 676 जिलों में चले जाएंगे, और करोड़ों करोड़ों लोगों को गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दो, इसके लिए दिल्ली में खड़ा करेंगे, और ये अभियान लेके चल रहे हैं। नहीं, गौ मंत्रालय अलग होना चाहिए, हाँ, क्योंकि अभी पशु मंत्रालय के अधीन गाय है। हमारा एक मांग ये है कि गौ मंत्रालय अलग करो। जैसे गंगा मंत्रालय अलग हो सकता है, तो गौ मंत्रालय अलग क्यों नहीं हो सकता? और गौ तो गंगा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि गंगा से गाय नहीं हुई है, गाय से गंगा हुई है। ये भी बात बता रहे हैं हम देश का। जी, कैमरा पर्सन जसवीर के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट।